सफाई करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी सर्दियां ऑलमोस्ट आ ही रही हैं अभी, और इस मौसम में ना नया वाला पालक गिरा है। और कितने दिन से मैंने मम्मी को बोला है कि मम्मी पालक पनीर बना दो, बिकॉज पालक पनीर इज लाइक लव ऑफ माई लाइफ। तो लेकिन मम्मी बना ही नहीं रही थी। कितनी बार मैं मम्मी को बोल बोल के थक गई, लेकिन मम्मी के कानों में आवाज जाती नहीं हमारी। सैटरडे संडे हम सभी से काम करवाने के, दिवाली की सफाई करवाने के लिए आज मम्मी बनाने जा रही है पालक पनीर। और आपको पता है क्या, मेरी मम्मी बहुत डिप्लोमेटिक है। उनको लगता है कि हम लोग समझ में नहीं आता कि पालक पनीर क्यों बन रहा है, लेकिन हम लोग को सब समझ में आता है, हम बड़े हो गए। मम्मी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग से काम कैसे निकलवाना है, लेकिन अब हम भी समझने लगे हैं कि ये जो पालक पनीर का जो क्या बोलते हैं, छलावा बोलते हैं, हाँ शायद ये जो बहलावा जो मम्मी दे रही है ना हम लोग को पालक पनीर का, वो इसलिए है ताकि हम लोग घर की सफाई कर दें मिल के। ये देखिए अभी सफाई हो रही है और कितना सारा सामान निकला हुआ है, रस्सी से लेकर के डब्बा, ये पंखा, लाइट वाइट, बोतल उतल सब इधर उधर पड़ा हुआ है। और सबसे पहले जहाँ की सफाई हो रही है वो है जिम रूम। ये भैया का जिम रूम है, यहाँ पे पहले सफाई हो रही है, सबसे पहले यहीं पे सफाई होगी। सो छत पे स्टोर रूम की और भैया के जिम रूम की पापा ने सफाई अच्छे से कर दी है, एकदम चमक रहा है पूरा रूम। अब बस ये जो सामान है ना, ये सबको सेट करना है। और साथ ही साथ पिछले साल का जो कम्बल है, जो वॉशेबल है, लेकिन पिछले बार धुल नहीं पाया था, उसको भी पापा ने बोला चलो साथ साथ ही धो देते हैं। तो यहाँ पे पहले पापा के रूम की सफाई हो रही है। उसको उस रूम में रख के आओ, तो लियो रख के आओ उस रूम में, मेरा बेड पे रख देना, जाओ। वेरी गुड, रख दो। वेरी गुड। ये जो सीढ़ी है ना, मुझे ये बेड पे लगाना पड़ा, उसके बाद में पंखा था, वैसे पहुंच गई थी मैं, पिरूफ देता हूँ, देखो मैं पहुंच गई थी खड़े खड़े, लेकिन वो हाथ दर्द हो रहा था मेरा, इसलिए मैंने सीढ़ी लगा के फिर पंखा साफ किया खुद से। बहुत अच्छा लगा, नहीं अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा चमक रहा है पंखा। भैया यहाँ ब्लोअर से सभी चीजों को साफ कर रहा है, सभी चीजों मतलब धूल जो चिपकी हुई है वो सबको निकाल रहा है ताकि हम लोग को सफाई करने में आसानी हो। तो भैया अभी पूरे दीवार की सफाई कर रहा है एक स्पॉन्ज से, गीले स्पॉन्ज से, ताकि पूरा का पूरा ये जो दीवार है वो चमक जाए। और साथ ही साथ जो मैंने प्रिडिक्ट किया था अपने होम टूर वाले व्लॉग में कि ये जो दिए हैं ये अगले दिवाली तक नहीं निकलेंगे, और वो सही था, ये आज निकला है। और अभी जितना भी डबल साइडेड टेप था ना, वो सब पापा खरोच खरोच के निकाल रहे हैं। तो जितना भी डस्टिंग का काम था वो सब हो चुका है, जितना भी पोछना पाछना था वो सब हो गया है। अब टाइम है फ्लोर का सफाई करने के लिए, और फ्लोर का सफाई करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि प्रेशर वॉशर। बाप रे कितना गंदा निकल रहा है भाई साहब। अभी अगर हम लोग पाइप से धो रहे होते हैं ना, तो अभी बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे ये प्रेशर गन है ना, जिससे बहुत ही अच्छे से 2 मिनट में, अच्छा हाँ ढकते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर ये वाला रूम भी और किचन भी दोनों साफ हो गया है। पापा मेरा पैर कट जाएगा। इस प्रेशर गन में इतना प्रेशर होता है ना कि अगर पैर अगर उसके सामने चला गया ना, तो पैर के अंदर भी छेद कर देगा, इसलिए मैं अपना पैर थोड़ा बचा के रख रही हूँ। और मेरा पैर है अभी तो बड़ा नाजुक सा, छोटा सा, नहीं छोटा तो नहीं लेकिन नाजुक सा है। फाइनली 1.5 मंजिल का आज सफाई हो गया, सेकंड फ्लोर पूरा हो गया और जो टेरेस था वो आधा हो गया, तो 1.5 मंजिल आज पूरा हो गया। तो अब बच गया है 2 फ्लोर, एक तो ये वाला फर्स्ट फ्लोर और नीचे ऑफिस। अब देखते हैं कि कल इन दोनों का सफाई हो पाता है कि नहीं। और अभी मम्मी बनाने गई है पराठा, और आज चावल भी है पराठा भी है, वो साथ के साथ पालक पनीर भी है। मम्मी हम लोग के काम निकलवाने के बाद ना ऐसा हम लोग को एक रिवॉर्ड देती है। फाइनली इतना मेहनत करने के बाद ये फल मिला है, पालक पनीर और पराठा चावल। जय हो शिवगामी देवी। मजदूर का लगा दिया जाए। कल का जनित सफाई कराना हो तो दाल मखनी तैयार रखना। वाह।
अभी दिवाली बस 3-4 दिनों में ही है और हमारे घर में सफाई अभियान एकदम चरम सीमा पर चल रहा है। देखिए आज पापा पूरे ऑफिस की सफाई कर रहे हैं, पंखा और ये सब 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 सफाई होगा आज पूरा। अभी ऑफिस फैला हुआ है, बाहर वाला रूम तो पापा साफ कर रहे हैं लेकिन अंदर वाला रूम जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे सिर्फ मेरा ही काम होता है, रिकॉर्डिंग होता है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो ये वाला रूम का जो बेड वेड है वो मुझे साफ करना है। आज जब पापा इस वाले कबर्ड की सफाई कर रहे थे ना, वहां से निकला है ये मटका। चौकी मत, ये कोई जादुई मटका नहीं है जिसके अंदर से पैसे वैसे निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब इस वाले घर का गृह प्रवेश हो रहा था ना, उस समय मम्मी इसी मटके में जल भर के ऐसे अपने माथे पे उठा के आई थी और ये मटका पंडित जी ने कहा था कि कम से कम 5 साल अपने घर में रखने से शुभ होता है, लेकिन ये मटका जब से रखा ही गया तब से रखा ही गया और आई थिंक सो मेरे हिसाब से इस घर को 18-19 साल तो आराम से हो गए, तो ये मटका मुझसे भी बड़ा है। और अब जब ये मटका निकला है तो मम्मी ने कहा कि अब इसमें हम लोग एक पौधा लगा देंगे तो इसका भी सही ढंग से यूज हो जाएगा। मेरा बेड यहाँ पे पूरी तरीके से साफ हो चुका है, मैंने चादर भी बदल दिया, मेरा हाथ ये वाला अपने आप ही वाइब्रेट हुए जा रहा है, मैं हिला भी नहीं रही हूँ, ये हाथ अपने आप हिल रहा है। मेरे हाथों को काम करने की ज्यादा आदत नहीं है ना, इस बार लगता है ज्यादा ही काम कर लिया तो ये अजीब सा ही हरकत कर रहा है। सो मैं अभी ऊपर आ चुकी हूँ और मुझे जो ड्यूटी मिली है आज साफ सफाई करने की, वो ये जो आप मेरे पीछे शोकेस देख रहे हैं इतना बढ़िया सा जिसमें इतनी सारी ट्रॉफीज हैं, जो कि इस शोकेस में जितने भी चीजें हैं ना उसमें से 80-85% चीजें मेरी हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा तोर से मनवा हो तू साफ कर, तो ये इसको साफ करने की ड्यूटी मुझे मिली है और चलिए अब इसको साफ करते हैं। इसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलेगी जिससे मुझे पुरानी बातें याद आ जाएंगी कि मैं छोटी थी तो मैंने ये वाला ट्रॉफी लिया था, ये वाला मेडल मुझे मिला था। ये बहुत अच्छी चीज है, ये हमारे स्कूल में ना एक कैंपेन हुआ था कैंसर कंट्रोल मिशन के लिए, हमारे स्कूल में ऐसा बोला गया था कि अपने कॉलोनी में से आपको सबको बताना है कि कितने सारे लोग कैंसर से पीड़ित हैं और उन सभी को मदद की जरूरत है, इसीलिए आपको कैंसर कंट्रोल मिशन के लिए थोड़ा सा पैसा जमा करना था अपने कॉलोनी में से ले लेके, और मैंने सबसे ज्यादा अमाउंट सबमिट किया था इसलिए मुझे ये एक छोटा सा ट्रॉफी मिला था, छोटा सा बड़ा क्यूट सा, और एक मेडल भी है लेकिन वो ऊपर रखा हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी जब मैं ऊपर का सफाई करूंगी। तो ये शोकेस मैंने पूरी तरीके से साफ कर दिया, एकदम चकाचक लग रहा है अब ये। तो एक और चीज आप सभी को बतानी है कि आज मुझे एक फोन कवर डिलीवर हुआ है, ये वाला जिसका ऑर्डर मैंने लगभग 4 दिन पहले किया था, और इस कवर की ना दो खास बात है। सबसे पहली बात तो ये कि ये कस्टमाइज्ड है, मैंने फोटो सेलेक्ट करके वहां पे दिया था और एकदम सेम टू सेम वैसा ही कवर आया है, बहुत सुंदर। और दूसरा खासियत ये है कि ये इतना हार्ड मटेरियल का बना हुआ है ना कि अगर बाय चांस फोन गिर भी जाता है तो फोन को टूटने नहीं देगा ये, और मेरे हाथ से तो फोन फिसलता ही रहता है मेरा, तो मेरे लिए तो बहुत काम की चीज है ये। Hey guys, तो कल धनतेरस है और आज हमारे घर का जो सफाई है वो लास्ट स्टेज पे चल रहा है, एकदम फाइनल स्टेज पे। आज ये जो रूम है ये फर्स्ट फ्लोर, इसका आज हमने सफाई करना है और पर्दे वर्दे सब चले गए हैं धोने के लिए, बस ऐसे पानी मार के सोफा साइड करके ये सब साफ करना है, टीवी साफ करना है, शोकेस मैंने साफ कर दिया, बहुत एकदम चकाचक लग रहा है। क्या भैया साफ के अंदर घुस के यहाँ पे सारा सफाई कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे सभी लोग काम कर रहे हैं, गीता आंटी वाइबर मार रही है, भैया थोड़ा सफाई कर रहा है प्रेशर गन से, और मम्मी सोफा का जो ये गद्दा होता है ये स्पॉन्ज वो बिछा रही है, जिस जिस सोफा का सफाई हो गया उसको बिछा रही है। वाह गीता आंटी वेरी गुड, हाइसा ये सफाई करते करते वाइपर टूट गया। तो यहाँ पापा बाहरी दीवार का सफाई कर रहे हैं अच्छे से ये प्रेशर गन से, जिससे कि बहुत ही अच्छे से सारा का सारा सफाई हो जाता है, पूरा दीवार वार पोछ देंगे ना तो बाहर से भी घर एकदम क्लीन क्लीन लगेगा। जरा बन्नी का हाल देखिए, लगता है सारा सफाई तो यही किया है, इतना थक हार के सो रहा है ना ये। आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं बस यहीं पर, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके घर में दिवाली की सफाई हो गई क्या। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब बड़ी हो गई हो, अब नहीं टूटता मेरे से सामान। हाँ, क्यों निकाले इसको? कौन मैं? क्यों? ऊपर भी सफाई करोगे ना? नहीं।